गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लॉज टेस्ट, जिसमें क्लॉज पैसेज जो होते हैं उसको डिस्कस किया था और कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर फुल मार्क्स, कि हमें किस तरह से सबसे जो स्कोरिंग पार्ट होता है, जिसमें जो क्लॉज टेस्ट जो होता है, जिसमें क्लॉज पैसेज जो आपको आता है, तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, कौन सी जो चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ विद एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट अ क्लॉज टेस्ट इज़ दैट इट इज़ अ हाईली स्कोरिंग पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, एंड इफ़ यू मास्टर इट यू कैन ईजली फैच गुड मार्क्स। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन जो है उसमें सबसे हाईली स्कोरिंग पार्ट जो होता है वो क्लॉज टेस्ट, जो आपको क्लॉज पैसेज आता है वही होता है। ठीक है। नहीं, अगर इस पे आपकी मास्टरी हो गई तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फॉलोइंग आर सम टिप्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। तो लास्ट में एग्जांपल्स भी हमने की हुई हैं, तो वो भी देख लेना। रीड स्लोली एंड थॉरली। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है, पहले इसको मैं पढ़ लूँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। इट विल हेल्प यू टू डिवेल्प एन आइडिया अबाउट द टॉपिक, दैट इज़ वाई रीड द पैसेज स्लोली एटलीस्ट ट्वाइस। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। Once the theme of the text is clear, everything is downhill from there. After doing this, you can choose the best possible words out of the given choices. तो सबसे पहले हम बिल्कुल slowly एक बार उसको पूरा पढ़ेंगे, ताकि हमें एक idea develop हो जाए। बेसिकली क्या होगा कि पूरा passage जो होगा वो inter कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस से लेकर लास्ट तक एक पूरी स्टोरी होगी, तो कहीं ना कहीं वो पूरा जो आपस में, जब आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे एटलीस्ट दो बार, तो आपको वो आइडिया डिवेल्प हो जाएगा कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। ठीक है। बेसिकली हम थीम ऑफ दी पैसेज समझ जाएंगे कि हमारा पैसेज किससे रिलेटेड है, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे और उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या करना है। लिंक द सेंटेंसेज टुगेदर। द सेकेंड थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट इट इज़ नॉट अ सेट ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। कि हर सेंटेंस जो होगा वो अलग अलग नहीं है, इंटरलिंक्ड होगा। जो फर्स्ट सेंटेंस से लेके लास्ट तक पूरी कोई स्टोरी होगी, एक पूरे पैसेज का एक अलग से ही थीम होगा, तो कहीं ना कहीं सेंटेंसेस इंटरलिंक्ड होंगे, इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं होगी। बट अ पैसेज दी सेंटेंसेज दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कीपिंग दिस इन माइंड, अदरवाइज देयर विल बी अ वेरी हाई चांस ऑफ कमिटिंग सम सिली मिस्टेक्स। देयर विल Definitely be some logical connection between the sentences. Just try to understand that connection. Your chances of selecting the right option will become high. तो फर्स्ट हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, और जब पैसेज हमने पढ़ा तो हमने ये ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं ये आपस में पूरे इंटरलिंक्ड है सेंटेंसेस। ठीक है। कि कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, अलग अलग से नहीं है, पैसेज भी सेंटेंसेज दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमें जब ये डिवेल्प हो जाएगा, हमने पैसेज पढ़ लिया, तो इस तरह से अगर हमने हर सेंटेंस को अलग नहीं देखना है, ऑप्शंस भी उसी हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है कि सभी जो सेंटेंसेस हैं, पूरा पैसेज जो है एक स्टोरी है या फिर वो आपस में लिंक्ड है। थर्ड क्या देखना है, हमने एग्जांपल अभी ले ली, उसके बाद नेक्स्ट टिप्स पे चलेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली डैश ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन काज एडिशनल चेंजेस टू द वे द प्लैनेट ऑब्जर्व्स और रिफ्लेक्ट्स एनर्जी। इन द अबव एग्जांपल, अब नीचे ऑप्शन से पार्ट होल या इशू। इन द अबव एग्जांपल वी कैन सी फ्रॉम द नेक्स्ट सेंटेंस दैट फर्स्ट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी पार्ट। ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पैराग्राफ आपस में इंटरलिंक्ड है, तो हम देखेंगे उसके बाद बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो चुनेंगे। इलिमिनेट ऑप्शंस। वेल, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ध्यान से सुनना। कि ऑफन वी हैव सीन दैट कैंडिडेट comes across a situation where he is unable to find the correct option. In such a scenario, first read all the options carefully. Out of these, eliminate the choice that is least likely to be correct. This process is called process of elimination. तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमने पूरे पढ़ने और आपको आउट ऑफ दीज इलिमिनेट द चॉइस दैट इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। तो हमने अगर चार ऑप्शन से हैं तो हम देखेंगे हमें जिस पे जो लगता है कि सबसे, मतलब उन ऑप्शंस को हटा देंगे जो आपको लगता है कि ये बड़े कम चांसेस देंगे ये करेक्ट हो सकते हैं। पहले तो हमने पैसेज पढ़ लिए, हमें पता चल गया ओवरऑल क्या पैसेज है किसके बारे में, फिर हमने देखा कि इंटरलिंक्ड है, तो
तो हम चीज़ों को फील करते जाएंगे और आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगता है वही हम फील करेंगे, लेकिन आपको जो लगता है कि ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटाते जाएंगे। इस तरह से चांसेस हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, माय फादर बेव्ड मी गुड बॉय इन द बस डैश, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वॉज एन इंजीनियर एंड वॉज गोइंग टू कैनर टू पार्टिसिपेट इन ए वर्कशॉप। अब देखें, गोइंग, अराइव्ड और स्टार्टेड, लेट अस चेक द ऑप्शंस वन बाय वन और उसके बाद हम एलिमिनेट करते जाएंगे। गोइंग डज नॉट फिट, बस गोइंग तो नहीं आएगा, गोइंग डज नॉट फिट, अराइव डज नॉट मेक सेंस एज गुड बाय, अराइव का तो वो आता ही नहीं, हम अराइविंग हो रहे हैं तो गुड बाय नहीं बोलेंगे, एज गुड बाय नेवर डन व्हेन समवन अराइव्स, स्टार्टेड इज दस द जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो आएगा वो कहेगा स्टार्टेड, माई फादर बेव्ड मी गुड बाय एंड द बस स्टार्टेड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन से हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट वाले से लेके लास्ट तक अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया पॉइंट्स, और लास्ट तक, तो कहीं ना कहीं आपके काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड द टोन ऑफ पैसेज, जो फर्स्ट में मैंने बोला था, पिक द वर्ड्स दैट फिट इन विद द टोन ऑफ द इंटायर पैसेज, पूरे पैसेज को देख के उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा वो हम लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल दी गई है, पिक दी वर्ड्स दैट फिट इन विद द टोन ऑफ द इंटायर पैसेज, इसमें भी आप देखोगे और जो आप देखोगे कि हमारा जो पूरा पैसेज अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो एक ह्यूमरस वे में, एक फनी वे में हमारा जो टोन है पूरे जो, तो उसमें हम सो वी शुड चूज एन ऑप्शन विच इज़ ह्यूमरस, इन दिस बोथ टम्बल्ड एंड फेल आर कन्वेइंग द मीनिंग बट टम्बल इज मोर ह्यूमरस सो आवर आंसर इज टम्बल्ड। तो हम देखेंगे ये पैसेज किसके बारे में है, टोन किसकी है पैसेज में, क्या किसी फनी चीज़ के बारे में बात की गई है, कोई सीरियस मैसेज दिया गया, किस चीज़ के बारे में है, उसी के अकॉर्डिंग हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर होगा उसको हम देखेंगे और उसको हम फिट करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने एक इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी आपके ग्रामर पोर्शन जो भी ये चीज़ें हैं जिसमें मॉडल्स आपके हैं, टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारी वीडियोज़ यहाँ पे हैं, तो वो सारी वीडियोस जो हैं जो वन बाय वन करके आपको जो चीज़ें मतलब जो आपके सिलेबस में वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।